दोस्तों अगर हम अपने मैक में किसी भी वेब लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर कोई वेब लिंक हमें मैसेज के थ्रू मिली और हम उसे क्लिक करके ओपन करें तो वो डायरेक्टली हमारा जो सफारी वेब ब्राउजर है उसमें ओपन होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैक है उसकी जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है वो सफारी है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि वो जो लिंक्स हैं वो किसी और ब्राउजर में ओपन हो या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है उसे आप मैक में चेंज कर दें सफारी की जगह पर दूसरा वेब ब्राउजर, तो आप कैसे करेंगे चलिए जानते हैं आज के स्टूडियो में। हे गाइस, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं विटे की। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने मैक में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मैक की सेटिंग्स में जाना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एप्पल आइकन दिखेगा आपको, वहां पर क्लिक करके सिस्टम प्रेफरेंसेस में जा सकते हैं या फिर लॉन्चपैड से आप सिस्टम प्रेफरेंसेस या सिस्टम सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा सारे सेटिंग्स आपके मैक से रिलेटेड, लेकिन चांसेस होंगे कि अगर आप लेटेस्ट मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, वो भी मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले पुराने वाले वर्जन पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आपको जनरल का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको जनरल पे चले जाना है और उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है तो यहाँ पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद जो भी वेब ब्राउजर आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो वो आप यहाँ से उस ब्राउजर को सेलेक्ट कर लीजिए जिसे डिफॉल्ट वेब ब्राउजर रखना चाहते हैं। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पर रखा है। अगर आप गूगल क्रोम रखना चाहते हैं तो गूगल क्रोम को आप इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आपको वो ऑप्शन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका कोई भी वेब लिंक हो या फिर कोई भी लिंक आपको कहीं से भी मिलता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपके माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन होगा क्योंकि हमने डिफॉल्ट वेब ब्राउजर को यहाँ पर चेंज कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें लेटेस्ट मैक में कैसे करना है तो चलिए वो भी हम जान लेते हैं। लेटेस्ट मैक्स में भी आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स जैसे आपने ओपन किया था वैसे आप सिस्टम सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए एप्पल लोगो पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऐसे दिखने को मिल जाएगा सेटिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस है सेटिंग्स में, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे और डेस्कटॉप एंड डॉक का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है फिर आपको यहाँ पे डिफॉल्ट वेब ब्राउजर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे सफारी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करिए और यहाँ से जो भी वेब ब्राउजर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपका जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने मैक में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वैसे अगर आप अपने आईफोन में सफारी वेब ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लें।